कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा ने एक तरफ सत्ताधारी भाजपा में बेचैनी पैदा कर दी है, दूसरी ओर पार्टी नेता व कार्यकर्ताओं में लड़ने का भरोसा और नया जोश भी पैदा करने का काम किया है। अब कांग्रेस नेता और ज्यादा मुखर तरीके से केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों और फैसलों को लेकर आक्रामक तरीके से उसका विरोध करने लग गए हैं। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस की कमान पूरी तरह सौंप देने के साथ ही यहां पार्टी नेता बेहद उत्साहित हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पार्टी नेता अब भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा करने लग गए हैं। ऐसे ही एक उत्साही युवा नेता व पूर्व किसान कांग्रेस महासचिव अमित भारद्वाज ने दैनिक भास्कर से विशेष बातचीत की। नमस्कार, दैनिक भास्कर की पूरी टीम को मैं नमस्ते करता हूं। भारद्वाज जी, गुरुग्राम में बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं आ रहा, बिजली की समस्या है, ट्रैफिक की है, करप्शन की है। आप अपोजिशन में हैं लेकिन लोगों का कहना है कि कांग्रेस सड़क पर नहीं उतर रही है, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, ये कौन कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, आज जो हमारे देश के हरियाणा के नहीं, मैं तो पूरे देश की बात करूँगा कि आज पूरे देश में जो हालात हो रहे हैं, आप भ्रष्टाचार को लेके, महंगाई को लेके, प्रशासन को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, अभी आप गुरुग्राम में देखिए पिछले एक महीने में 3 वारदातें हो चुकी, तो कानून व्यवस्था हमारी पूरी तरीके से चरमरा गई है। और हमें ये लगता है कि मुख्यमंत्री खट्टर साहब हरियाणा के अंदर नाकाम साबित हुए हैं। जो एक महीने के अंदर 3 बड़ी वारदात हो गई गुड़गांव में और उसका अभी तक कोई रिजल्ट जो है नहीं निकला। दूसरा, महंगाई आप देख लो, महंगाई किस चरम सीमा तक पहुंच गई है। लोग आज की डेट में, ये तो चलो हमारी पार्टी की बात है, हम तो सड़क पे उतरे हुए हैं, हमारे साथ साथ आज आम जनता भी सड़क पे उतरी हुई है। आप हमारी ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, आप उसी को देख लो, उसमें हमें कहां कहां जनसमर्थन नहीं मिल रहा। तो ये जो कह रहे हैं कि हम सड़क पे नहीं उतरे हुए हैं, हम तो हर रोज़ हर स्तर पर हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सारे नेता जनता के साथ सड़क पे उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है आज हमारे देश का कि अगर हम इसका विरोध करते हैं, हम सरकार से, सत्ता पक्ष से सवाल करते हैं, तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। हम तो आज की डेट में उनसे सवाल भी नहीं कर सकते। तो ये जो तानाशाही का जो माहौल इस बीजेपी सरकार ने, जो तानाशाही का माहौल क्रिएट किया हुआ है, ये गलत है और इसको अब जनता समझ चुकी है। और आप देखना आने वाले समय में 2024 के चुनाव में अपने वोट के ज़रिए जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी तो बहुत मजबूत पार्टी रही है, हमारी देश की आज़ादी की लड़ाई कौन सी पार्टी ने लड़ाई लड़ी? एक कांग्रेस पार्टी है जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और ऐसा नहीं है बीजेपी पार्टी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग है, वो किस मामले में ताकतवर है? पैसा, हर तरीके से पैसा, जनता का पैसा लूट रही है। जहाँ पे टोल नहीं लगना चाहिए वहाँ टोल लगा रही है, उस टोल की सुविधा, वो रोड, उसकी कोई, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा जनता को आज की डेट में। GST उन्होंने किस कदर लगा दिया है, आटे पे, दही पे, चावल पे, पर मतलब कोई भी तो ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिस पे GST नहीं लगा हुआ। एक हम जो सांस ले रहे हैं आज, हम जो अपना ब्रीद कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, एक सांसों पे GST नहीं है। नहीं तो आप रोज़मर्रा की जीवन की जो हमारी चीज़ें हैं, सामग्री हैं, सब पे GST है। आप बताओ कहाँ छोड़ रहे हैं वो आम जनता को। बीजेपी की सदा से एक राजनीति का जो एक केंद्र बिंदु रहा है, वो हमेशा नफरत के बीज बोकर और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश को बांटने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो बीजेपी पार्टी है, जो हमेशा से जनता को आपस में लड़ाती और बांटती हुई आई है। अरे, पिछले 70 सालों में आपने कुछ किया ही नहीं, पिछले जो भी हुआ है पिछले 7-8 सालों में मोदी जी ने किया है। नहीं, ये बात वो सही कह रहे हैं, पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं, बीजेपी ने किया है। जो डैम बने हुए हैं, बड़ी बड़ी IIT बनी हुई है, बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, बड़े बड़े जहाज बने हैं, ये भी सब बीजेपी सरकार ने किया है, क्योंकि पिछले 70 साल से तो बीजेपी की सरकार थी। लेकिन आप ये देखिए ना, ये किस कदर झूठ बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं है, आप उनसे ये पूछिए कि आपने पिछले 8 साल में कोई नया प्रोजेक्ट, कोई एक एम्स हॉस्पिटल हो गया, आप एम्स की छोड़ो, मैं गुरुग्राम की बात करता हूँ, अपने ज़िले की बात करता हूँ। गुरुग्राम में इनका एक ऑफिस तो तैयार हो गया गुरु कमल के नाम से। उनसे ये पूछो कि आम आदमी के लिए एक सिविल हॉस्पिटल किस गुरुग्राम में ज़रूरत है क्या? पिछले 8 साल में इनसे एक
सामान्य सिविल हॉस्पिटल बन पाया क्या इनसे? वो ऑफिस तो बना लिया, हाँ कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने अपना दफ्तर नहीं बनाया, कांग्रेस ने सिविल हॉस्पिटल बनाए, एम्स बनाए, एक आम आदमी की ज़रूरतों की चीज़ें बनाई, अपने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, ये कांग्रेस ने किया। इतने टाइम हो गया आपका गुरुग्राम का ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का संगठन तक कांग्रेस का नहीं बन पा रहा है, ऐसा क्यों? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूत है। अगर कांग्रेस कमज़ोर है तो ये रोज़ हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के पीछे हर रोज़ नाम लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और इनके जितने भी हमारे मंत्री हैं बीजेपी सरकार के मंत्री और नेता, उनको क्या दर्द है। अब ये जो यात्रा हमारी शुरू हुई, इनके पास जो मुद्दे हैं उन पे तो ये बात ही नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते, बेरोज़गारी पे बात नहीं करते, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते, कानून व्यवस्था को लेके बात नहीं करते। ये बात करते हैं तो किस पे करते हैं कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, उसका टैग क्या है। अरे जनता को इन चीज़ों से क्या मतलब है? जनता तो ये कह रही है कि आप जो महंगाई हो गई है, भ्रष्टाचार हो गया है, बेरोज़गारी हो गई है, आज लोग, इन्होंने वायदा किया था कि हम इतने करोड़ रोज़गार देंगे, क्या इन्होंने दिए? नहीं दिए। उस पर क्यों नहीं बात करते, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? संगठन की रही जहाँ तक बात, हमारा बहुत ही मजबूत संगठन अपना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी के, और अपने हमारे हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयमान जी, कार्यकारी अध्यक्ष भाई जितेंद्र भारद्वाज, और विशेषकर गुरुग्राम जिले के लिए भाई जितेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में बहुत ही मजबूत और पूरे हरियाणा में बहुत अच्छा संगठन बनने जा रहा है। और खाली संगठन ही नहीं, हम 2024 में हरियाणा के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं, और उससे पहले MCG के इलेक्शन में और लोकल बॉडी इलेक्शन में। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को कहाँ खड़ा पाते हैं आप? नहीं, बहुत मजबूत स्थिति में, जनता तो वेट कर रही है, ये इलेक्शंस क्यों नहीं करा रहे, ये रोज़ पंचायत के इनके इलेक्शंस क्यों डिले कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास रिपोर्ट है, CID की रिपोर्ट है कि जनता बदलाव चाह रही है, और आप देखना उसकी चोट अभी पता लग जाएगा, निगम के इलेक्शन होंगे उसमें रिजल्ट आ जाएगा, और 24 के अंदर हम बहुत ही मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं कांग्रेस की।